संसद के शीतकालीन सत्र में दो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बेहतरी और विकास के लिए संघ शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन दीव का विलय करने से संबंधित, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का विलयन विधेयक 2019 संसद में पास हो गया। Bill seeks to amend the Constitution, first schedule of the Constitution. So I don't know whether the Constitution can be amended with an ordinary bill. Whether a Constitution amendment bill is required for the amendment of the Constitution, because you are amending the first schedule of the Constitution. इसके विलय करने के क्रम में संविधान के अनुच्छेद 3A को संविधान के अनुच्छेद 4(2) के साथ रख कर पढ़ा जाना चाहिए। 3A के तहत कानून द्वारा संसद दो या अधिक संघ शासित प्रदेशों को एकजुट कर एक नया संघ शासित प्रदेश बना सकता है। ये 3A का प्रोविजन है और 4(2) के तहत इस तरह के किसी भी कानून के परिवर्तन को 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, बाय कॉन्सिक्वेंसिस लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी चेंज होगी, तो इसमें संविधानिक सुधार की जरूरत नहीं। हमारे संसद के अंदर कई सारी संसदीय समितियां होती है, लोग अंडमान जाते हैं, कभी कभार आसाम जाते हैं, कश्मीर भी जाते हैं। संसदीय समितियों ने कई बार केंद्र शासित प्रदेशों में भी जाना चाहिए, ये उनकी चिंता करना भी आखिरकार इस सदन का और सदन के सदस्यों का काम है और विशेष रूप से राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए संसद संवाद सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।